नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। आयुषी हत्याकांड इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। ये केस सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें एक बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े यानी कि अपनी बेटी की हत्या कर दी और इसके बाद वो अपनी बेटी के शव को ले गए और फिर इसे जंगलों में फेंक दिया। हैरानी वाली बात तो ये है कि वो माँ जो बेटियों को सीने से लगा कर रखती है, उस माँ का भी कलेजा नहीं कांपा और उसने भी अपने पति का इस हत्या में साथ दिया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर आयुषी की हत्या की और फिर उसे एक लाल सूटकेस में भरकर झाड़ियों में फेंका है। ये मामला 17 नवंबर का है। आयुषी एक बहुत ही मेधावी छात्रा थी, वो बीसीए की छात्रा थी। उसने नीट भी क्वालिफाई कर लिया था लेकिन वो एक लड़के से प्यार करती थी। उसने चोरी छिपे छत्रपाल गुर्जर नाम के एक लड़के से शादी भी कर ली। आयुषी के माता पिता को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि आयुषी छत्रपाल गुर्जर के साथ रहे, लेकिन आयुषी भी जिद्दी स्वभाव की थी। वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अक्सर ही घर में उसकी शादी को लेकर लड़ाई होती रहती थी। न परिवार पीछे हटने को राजी था और न ही आयुषी। ऐसे में इसका अंजाम वो हुआ जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अंत में आयुषी को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। मामला 17 नवंबर का है जब आयुषी और उसके परिवार के बीच बहस हो गई। दरअसल आयुषी अक्सर ही घर से चली जाया करती थी। वो बहुत बहुत दिनों तक घर से बाहर रहती थी। उसके परिवार वालों को उसकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं आयुषी अक्सर ही अपने घर वालों पर दबाव बनाती थी कि वो छत्रपाल गुर्जर को अपनाए, लेकिन उसके घर वाले उसकी और छत्रपाल की शादी अपनाने को तैयार नहीं थे। इसकी दो वजहें थी। पहला तो ये कि छत्रपाल गुर्जर था, वो गुर्जर था और आयुषी यादव थी। ऐसे में जातियों की वजह से आयुषी का परिवार उसकी इस शादी को अपनाना नहीं चाहता था। दूसरी वजह ये थी कि आयुषी के परिवार और छत्रपाल गुर्जर के परिवार की आर्थिक स्थिति में भी बहुत अंतर था। ऐसे में 17 नवंबर को आयुषी और उसके परिवार वालों के बीच बहस हो गई। इसमें बचने के लिए आयुषी ने परिवार वालों पर ये कहकर झूठा दावा किया कि वो प्रेग्नेंट है। उसे ऐसा लगा कि अगर वो कहेगी कि वो प्रेग्नेंट है तो घर वाले उसकी बात मान जाएंगे और उसकी शादी को भी अपना लेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पहले ही घर वाले गुस्से में थे और आयुषी से उनकी लड़ाई चल रही थी। ऐसे में जब उन्होंने ये सुना कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है तो आयुषी के पिता नितेश यादव अपना आपा खो बैठे और उन्होंने रिवॉल्वर से धनाधन दो गोलियां आयुषी के सीने में दागी। आयुषी की उसी वक्त मौत हो गई। आयुषी की माँ भी वहीं खड़ी थी, उन्होंने अपनी आंखों से ये पूरा मंजर देखा। इसके बाद वो गई और उन्होंने वहां खून के जो भी धब्बे गिरे हुए थे उन सबको साफ किया। इसके बाद आयुषी का शव एक दिन तक घर में ही रहा और फिर पति पत्नी निकल गए शव को ठिकाने लगाने के लिए। आयुषी के पिता नितेश यादव का कहना है कि वो लोग शव का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो जब जा रहे थे तो रास्ते में ही सुबह हो गई। ऐसे में वो डर गए और उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे के आगे झाड़ियों में आयुषी के शव को फेंक दिया। फिलहाल दोनों पति पत्नी गिरफ्तार हैं। ऐसे में दोनों को क्या सजा होनी है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस मामले पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।